जय माता दी, जय माता रानी। नवरात्रि के पावन पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि एक वर्ष में दो बार आते हैं, ऐसे में इस वीडियो में आपको बताएंगे नवरात्रि व्रत में कौन कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए तथा कौन सी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और आपकी सेहत से संबंधित भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। नवरात्रि में माँ दुर्गा की विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। व्रत रखते समय यह आवश्यक है कि आप सही नियमों का पालन करें। इसके कुछ नियम हमारे शास्त्रों में भी लिखे हुए हैं। वैसे तो नवरात्रि के सभी दिन व्रत करने का विधान है, लेकिन जो लोग सभी व्रत नहीं कर सकते उनके लिए शास्त्रों में विकल्प भी बताए गए हैं। अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो यह जानना आवश्यक है कि आपके शरीर की ऊर्जा कैसे बनी रहे और आप बीमार ना हों और भूख पर काबू कैसे बनाए रखें। फास्टिंग के दिनों में पोषण से भरपूर फलाहार लेकर आप माता की आराधना में एकाग्र रह सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि उपवास के दिनों में आपको क्या खाना चाहिए और किन किन चीज़ों से आपको बिल्कुल परहेज करना चाहिए। उपवास के दिनों में गेहूं खाने की मनाही होती है, इसकी जगह आप एरारोट का आटा, राजगीरा आटा, कुट्टू आटा, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना आटा, समा चावल का उपयोग कर सकते हैं। व्रत के दिनों में आप सभी तरह के फलों का सेवन कर सकते हैं, खासकर उन फलों का प्रयोग करें जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। इससे आपके शरीर का वाटर लेवल संतुलित रहेगा, जैसे कि अंगूर, तरबूज, खरबूजा, पपीता इत्यादि। उपवास के दौरान गाजर, कच्चा केला, टमाटर, खीरा का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। व्रत के दिनों में अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट आदि का सेवन भी कर सकते हैं। उपवास के दौरान हर तरह के साबुत मसाले, सेंधा नमक का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। वहीं आप डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी का खाने में उपयोग कर सकते हैं। अब भक्तगणों आपको बता दें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भूलकर भी नहीं खानी चाहिए नवरात्रों में, और इनसे परहेज करना चाहिए। व्रत में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सादा नमक यानी कि जो सफ़ेद नमक है इसका प्रयोग न करें। गेहूं, आटा, सूजी, बेसन, मैदा, चावल आदि का उपयोग व्रत के दौरान नहीं किया जाता है। व्रत के दौरान किसी भी तरह का नशा अथवा मदिरा का पान भी न करें। अगर आपने भी सच्चे मन से नवरात्र किए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी अवश्य लिखें। कमेंट बॉक्स को आप बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी अवश्य लिखें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि सनातन धर्म में जो भी त्यौहार आते हैं उनकी संबंधित बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।